नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं नगमा। एक राजनीतिक जंग छिड़ी है, एक वो ऐप जो राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, जो नागरिकों और नेताओं के बीच कांटेक्ट का जरिया होता है। क्या वो पब्लिक डेटा जुटाने के लिए एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल हो रहा है? इसी बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और आमने सामने है। ये ज़्यादातर जानकारियाँ जो हासिल की जा रही हैं वो आपकी जानकारी के बगैर हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि राइट टू प्राइवेसी का क्या? ऐसा डेटा जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की स्टाइल में वोटरों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉलिटिकल ऐप जो हैं, जैसे कि नमो ऐप है या जो दूसरे ऐप हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या वो धोखे से डेटा चोरी कर रहे हैं? दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, इस पर आमने सामने हैं। नरेंद्र मोदी ऐप वर्सेज INC ऐप, इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, कहा कि मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी हैसियत का इस्तेमाल कर सरकार द्वारा जिस नमो ऐप को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी मार्फत लाखों भारतीयों के डेटा से अपना निजी डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री के तौर पर वो तकनीक का इस्तेमाल कर भारत से जुड़ना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए आधिकारिक PMO ऐप का इस्तेमाल करें। ये डेटा भारत का है, मोदी का नहीं। तो राहुल गांधी की इस ट्वीट का जवाब स्मृति ईरानी ने दिया, बल्कि बीजेपी की तरफ से लगातार इस पर ट्वीट किए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका ये ट्वीट है कि जब हम तकनीक की बात कर रहे हैं तो क्या आप जवाब देना चाहेंगे राहुल गांधी जी कि क्यों कांग्रेस अपना डेटा सिंगापुर सर्वर तक भेजती है, जिसे कोई भी टॉम डिक या एनालिटिका देख सकता है। कहा जा रहा है कि नमो ऐप 50 लाख दफा डाउनलोड किया जा चुका है। ये PM और जनता के बीच का इंटरफेस है, यानी PM को जनता से जोड़ता है। इस पर फ्रांस के एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने ट्विटर पर यह दिखाया कि जो लोग इस ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उनकी जरूरी जानकारियां जैसे कि ईमेल, फोन नंबर वगैरह बिना इजाजत थर्ड पार्टी को दे दिए जाते हैं। बीजेपी ने अपने बचाव में कई बातें कही हैं। बीजेपी ने कहा है कि डेटा का इस्तेमाल सिर्फ विश्लेषण के लिए किया गया है, ताकि सभी यूजरों को सटीक सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। बीजेपी ने कांग्रेस पर भी डेटा लीक का आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने फौरन अपनी ऐप प्ले स्टोर से हटा लिया है और वेबसाइट बंद कर दी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने सिंगापुर के सर्वर पर डेटा लीक किया। राहुल गांधी ने कहा है कि PM वो बिग बॉस हैं जो भारतीयों की जासूसी करना चाहते हैं। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की एक दूसरे के ऊपर जासूसी के आरोपों के बीच सवाल ये है कि क्या डेटा चोरी से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या हमारी आपकी निजता खतरे में है? तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं, जैसे हमारे साथ विकास पांडे जो बीजेपी समर्थक और आई सपोर्ट नामों के फाउंडर हैं, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं नेता कांग्रेस, पवन दुग्गल होंगे साइबर लॉ एक्सपर्ट, और जितेन जैन जो एथिकल हैकर हैं। इस पर हम बातचीत करना चाहेंगे इन तमाम लोगों से। अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे पहला सवाल कि आप लोगों ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि वो डेटा चोरी करके सीधे अमेरिका दे रही है, अब कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि आप डेटा के इस्तेमाल करके सिंगापुर की कंपनी को दे रहे हैं, तो इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच में ट्विटर पर भी जंग छिड़ी है, पर इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टियां क्या चुनावी फायदे के लिए कर सकती हैं? एक बड़ा सवाल आम लोगों के जहन में यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां इतनी डेटा चोरी में दिलचस्पी क्यों रख रही हैं? अगर वो चोरी कर रहे हैं और आप भी चोरी कर रहे हैं जैसा कि जानकारियों से सामने आया है, तो आप लोग क्या चुनाव इससे प्रभावित हो सकते हैं? नहीं, हम लोग न चोरी कर रहे हैं और न इन डाटाओं के बल पे राजनीति करते हैं। हमारा जिस ऐप की बात आप कर रहे हैं उसमें मात्र 15,000 डाउनलोड किए गए थे, मोदी जी का ऐप लगभग 50,000 है। मोदी जी के ऐप में जब आप प्राइवेसी में जाएंगे तो उसी में लिखा हुआ है कि हाँ, ये बाहर के लोग इसे हैंडल करते हैं, उसी ऐप में लिखा हुआ है। मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके कल ट्वीट भी किया था। देखिए, आज बीजेपी जो है कोर्ट गई थी आधार के लिए, निजता के लिए। इसके पहले इस आधार और निजता के खिलाफ कितने अगेंस्ट में बोलते थे, यहां तक इन लोगों ने एफिडेविट दिया था कि आप किसी व्यक्ति का कोई निजता का अधिकार नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसको पलट दिया। अब आधार पे मुकदमा चल रहा है। वो बीजेपी
जो किसी की भी निजता की चीज मानती नहीं है और सबकी निजता की चीजें अपने आप को लेना चाहती है, चुराना चाहती है, उसको प्रोसेस करना चाहती है, उसको बाहर देना भी चाहती है। तमाम आधार की चीजें भी लीक हुई, कई बार मीडिया में भी रिपोर्ट आई। हाँ, एक डेटा ऐसा है हिंदुस्तान में जो ना लीक हुआ, ना कोई लीक हो सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी की शिक्षा का डेटा। वो कोई नहीं चुरा सकता, ना वो कोई लीक हो सकता है, ना उस तक कोई पहुंच सकता है। बाकी सारी सूचनाएं किसी भी तरह से मोदी जी की हुकूमत में किसी को भी पहुंचने के लिए पूरी एक्सेस है। लाख ये कहते रहे, ये खुद उसमें इन्वॉल्व है, क्यों ऐसा करते हैं जी, अभी यही जाने, उन चीजों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि राजनीति में जनता से सीधे संवाद और अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय ये ब्रेन वॉश करके, कंफ्यूजन करके, आप लोगों ने ये आरोप लगाया और बीजेपी की तरफ से लगातार ट्वीट किया गया है कि जैसे ही आप लोगों ने ये बात उठाई, कांग्रेस ने अपने ऐप को ही डिलीट कर दिया है। तो इनकी मेंबरशिप ऐप, तो आपके हिसाब से इनको इसकी जरूरत क्या थी, या इन्होंने जो तमाम बातें आपके लिए की कि आप लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको, शायद अखिलेश जी को टेक्निकल नॉलेज उतनी ना हो जी, लेकिन आजकल के ऐप के जमाने में छोटी छोटी परमिशन बहुत आम बात है। जैसे आप अगर कोई कैमरे का ऐप यूज करते हो, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का भी होगा, उससे आपका माइक का परमिशन, जीपीएस लोकेशन और कैमरे का परमिशन लेता ही लेता है। नरेंद्र मोदी ऐप में ये खासियत है कि आप उसमें अपना डेटा, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसमें डाल सकते हैं, इसलिए ये सब परमिशन बहुत जरूरी है, उसमें उसके बिना काम ही नहीं करेगा। और यूजर्स अपने मर्जी से उस परमिशन को एक्सेप्ट करते हैं। ये दकियानुसी बात करना कि भैया परमिशन कैसे ले लिया, वैसे उसमें एज ए गेस्ट भी आप लॉग इन कर सकते हैं जिसमें किसी परमिशन की जरूरत ना हो जी। तो ये जो परमिशन देने वाली बात है वो खुद अपनी स्वेच्छा से इंसान देता है, और इसका ये मतलब नहीं कि परमिशन लेके हम लोगों ने पूरा सब लोग हैक कर लेते हैं। वो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि यूएस में जाता है, सिंगापुर में जाता है। देखिए, सिंगापुर का रेफरेंस इसलिए दिया गया क्योंकि आप कांग्रेस वाले यूएस यूएस चिल्ला रहे थे। मैं आपको बताता हूँ चोरी एक्चुअली होती क्या है, और ये पहली बार शायद इस चैनल में बोला, एनडीटीवी बोला जाएगा। सिद्धारमैया का जो ऐप है वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका द्वारा, जहां तक मुझे लगता है, वो संचालित है। नमो ऐप तो प्राइवेट बीजेपी करती है। इनका जो ऐप है वो लोगों से यूजर डेटा इकट्ठा करता है, इंडिया की किसी मैसूर की प्राइवेट कंपनी में जाता है, उसका डिटेल अभी ट्वीट होने वाला है थोड़ी देर में। और वो डेटा अगर आप फिल करोगे सिद्धारमैया का ऐप, दूसरे दिन आपको कॉल सेंटर, कांग्रेस के कॉल सेंटर से फोन आ जाता है। इसको कहते हैं क्लासिक केस ऑफ डेटा चोरी। ये कहते हैं कि भैया ये जो आप गवर्नमेंट के लिए आप अपना डेटा दे रहे हो, सिद्धारमैया के सीएम को आप अपना डेटा दे रहे हो, वो कांग्रेस में दूसरे दिन कैसे पहुंच जाता है? ये होता है डेटा चोरी। अब यूएस में है, सिंगापुर के सर्वर क्लाउड है, वो तो कहीं भी हो सकता है। तो वो जो कर रहे हैं सिद्धारमैया ऐप से जो हो रहा है वो डेटा चोरी है, नमो ऐप से जो हो रहा है वो डेटा चोरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐप की परमिशन है, उसके बिना आप कैमरा चला ही नहीं सकते। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप क्या उसका ऐप को परमिशन नहीं दोगे कि आप कैमरे का? इसमें क्या फर्क है सिद्धारमैया ऐप? सिद्धारमैया ऐप ये गवर्नमेंट का ऐप है वो, आप कांग्रेस के पास डेटा कैसे पहुंच गया और वो प्राइवेट कंपनी के पास उसका कैसे? ये भी होता है कि नमो ऐप लोगों को आप मतलब कहा जा रहा है कि आप डाउनलोड करें, या 50 लाख से ज्यादा लोग कर रहे हैं, पार्टी के सर्कस में, एनसीसी कैडेट्स को भी कहा जा रहा है डाउनलोड करें, पार्टी के कैडेट्स में बोला जा रहा है इस चीज को डाउनलोड करने को। ये गवर्नमेंट इसको मेंटेन नहीं करती, तो पार्टी का नहीं है, प्राइवेटली बोल दिया होगा, अपनी खुशी से कोई बोल दिया होगा, लेकिन है तो ऑफिशियल पीएमओ ऐप। ठीक है, आप तो आई सपोर्ट नामो जो है उसके फाउंडर हैं, आपको ऐप्स की जानकारी है। आपके मुताबिक, आप हो या कांग्रेस हो, ये जो डेटा लिया जाता है इसको चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो पूरा कांड हुआ था यही हुआ था, फेसबुक का डेटा लेके कैम्ब्रिज एनालिटिका ले लिया था। और जहां तक मेरी जानकारी है, रम्या और शशि थरूर से भी अलेक्जेंडर निक्स की मीटिंग हुई थी जी। और ये डील लास्ट टाइम में कॉल ऑफ कर दी गई कर्नाटका इलेक्शन जस्ट पहले, जैसे ही ये हवा उड़ने लगी कि भाई ये लोगों ने डेटा चोरी किया है। इस डेटा से क्या होगा कि आपकी हाव, आप क्या टाइप करते हो, किस तरह की बातें करते हो, उस तरह की इंफॉर्मेशन कांग्रेस को फॉर एग्जाम्पल मिल जाती, और उसी तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट शो करते कि आपका दिमाग जल्दी से मोल्ड किया जा सके वोट करने के लिए। तो ये अगर कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं, पर आप पर कांग्रेस मतलब बीजेपी समर्थक, कैम्ब्रिज एनालिटिका को आरोप है, आप ये समझिए कैम्ब्रिज एनालिटिका या फेसबुक को जो हमने इंस्टॉल किया, तो ये परमिशन दिया गया कि फेसबुक उसको पॉलिटिकली यूज कर पाएगा। फेसबुक को यही दिक्कत थी ना, मार्क जुकरबर्ग को यही दिक्कत है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनी ने कांग्रेस को क्यों ये डेटा बेच दिया या बेचने का प्रॉमिस कर दिया, जब
फेसबुक ये अलाउ नहीं करता है जी। यूजर्स को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जो डेटा दे रहे हैं कम से कम वो पॉलिटिकल चीजों के लिए नहीं, आप प्रोडक्ट करो। मैं अखिलेश, आप अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए नगमा, इन्होंने एक बात कही कि वो जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो सुरक्षा से अपनी इंफॉर्मेशन जो जो मांग रहा है वो एग्री करते हैं, ठीक है एग्री करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसका मिसयूज करें। क्या मिसयूज हो गया बताइए? ये अधिकार नहीं फिर दे दिया था कि अगर आपको चीज डाउनलोड, मैंने आपसे कहा नहीं, मैं आपके पास कोई एग्जाम्पल, मैंने तो आपको साफ साफ एग्जाम्पल दे दिया कि सिद्धरमैया जी का ऐप कैसे मिसयूज हुआ, कांग्रेस कैसे मिसयूज करे, आपका जो मोदी प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला आपको, आपका जो मोदी जी का ऐप है नरेंद्र मोदी जी का, उसको खोलें, उसमें जब आप जाएंगे लास्ट में जो आएगा प्राइवेसी पॉलिसी उसको खोलें, उसमें क्या लिखा है, सर्टेन इंफॉर्मेशन मे बी प्रोसेस्ड बाय थर्ड पार्टी सर्विस टू, ये क्यों है ऐसा हर जगह क्यों है? अगर हम ऐप डाउनलोड कर रहे हैं आप खुद इसमें प्लीज आप थर्ड पार्टी को किस लिए दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वो आपका डिटेल लेकर के सोशल मीडिया पे इस तरह की सुनिए, आप लोग दोनों यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कि आप दे रहे हैं और आप नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपका कहना है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को दिया जो कैलिफोर्निया की कंपनी है, इनका कहना है कि आपने थर्ड पार्टी को दिया इसलिए नहीं दे रहे हैं जो सिंगापुर में है। दूसरे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो बीजेपी ने इसके बाद कहा, आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से अपने ऐप को डिलीट क्यों कर दिया अगर उसमें कुछ गलत नहीं था, तो फौरन क्यों ये जवाबी कार्रवाई हुई आपके? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए नगमा, हमारी मेंबरशिप का वो ऐप था और लगभग 5 साल में मात्र 15,000 मेंबरशिप हुई उसको, और मेंबरशिप के लिए हम लोग मिस कर मार के मेंबरशिप नहीं करते, हम लोग का अपना तमाम उसमें टर्म्स कंडीशन होती है। वेब मेंबरशिप अभी भी हमारी कंटिन्यू है कि आप जाके करें, चूंकि 15,000 हुआ और अगर कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो हम लोग के मेंबरशिप ज्यादा हैंड टू हैंड होती है, क्योंकि उसमें लंबा फॉर्म होता है, फोटो लगती है, तो 2-3 सफर लेने होते हैं कि हम इस तरह के संस्थाओं से नहीं जुड़ेंगे, कई चीजें उसमें टर्म्स कंडीशन होती है, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं। पर उसके बाद सवाल ये है कि आप लोगों ने इसके बारे में पहले नहीं सोचा और अब जब आप आरोप लगा रहे हैं मात्र तब कैसे पूछा है इसके बारे में, तभी क्यों डिलीट किया गया? हो सकता है आप कह रहे हैं कि आपका ये ऐप ज्यादा चल नहीं रहा था या इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तमाम चीजें हैं, पर इनका कहना ये था कि कुछ तो गड़बड़ था। लोगों ने उसको रिव्यू किया, लोगों ने उसको रिव्यू किया कि इस ऐप से हमें कोई बहुत मेंबरशिप करने में बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको लगा कि इसे बंद कर देना चाहिए, मेंबर बन जाओ। उत्तराखंड में जितनी पॉपुलेशन थी उससे आधे मेंबर हो गए थे जी 5-4 साल पहले बीजेपी के, मिस कॉल मार करके मेंबरशिप दुनिया के बताते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मेंबरशिप हमारी है। तो हम उस तरह के चीजों पे यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। ये तो मोदी जी हैं, जब मुख्यमंत्री थे तब एप्को नामक विदेशी कंपनी को अपने लिए प्रमोट, अपना प्रमोशन के लिए तमाम क्या क्या डाटा और एग्रीमेंट क्या क्या कर रखा था। पहला सवाल ये उठता है कि ये तमाम बातें पहले ही हुई, जब विवाद खड़ा हुआ तो आप लोगों ने खामोशी से अपनी पॉलिसी बदल दी है और उसके बाद में ये तमाम जो है मामला पलट गया। इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे कुछ इसके पहले कि हम ब्रेक लें? देखिए दो चीजें हैं, मैं इस चीज में पॉलिटिकल रिटोरिक को हटा के एक जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव है वो देना चाहूंगा। जिस चीज को लेकर आज कंट्रोवर्सी है कि बीजेपी की ऐप ये 23 परमिशन ले रही है या ये कहा जा रहा है कांग्रेस ने जो डिलीट करी 20 परमिशन 25 परमिशन ले रहे हैं, अगर एज अ सिटीजन मैं देखूं तो जो परमिशन व्हाट्सएप लेता है, फेसबुक लेता है, गूगल डुओ लेता है, टेलीग्राम लेता है, ये एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ परमिशन है, न एक इंच इधर ऊपर नीचे, जो ये बाकी पार्टियां भी ले रही हैं। तो ये खाली परमिशन लेने का मतलब ये नहीं है कि डेटा आपका चोरी करके बाहर पहुंचाया जा रहा है। आपके हिसाब से ये दोनों पार्टियां जो एज अ सिटीजन हमें सोचना चाहिए कि ये सारी एप्स जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है, फेसबुक गूगल, खाली हमें इसमें ना पॉलिटिकल स्लगफेस्ट को हटा के एक दूसरे के ऊपर जो आरोप चल रहे हैं हमें एज अ सिटीजन भी देखना होगा कि ये जो कंपनियां डेटा ले रही हैं हमारे यहाँ पे डेटा प्राइवेसी लॉ है नहीं। और 5 साल पहले जब एडवर्ड स्नोडन ने कहा कि यही सारी कंपनियां फेसबुक हो, गूगल हो, एप्पल हो, ये सारा डेटा, रॉ डेटा आपका, आपकी चैट्स, आपके वीडियो कॉल्स, आपके फोटोज, आपके ईमेल सर्वेलेंस के लिए यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को देते हैं, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई स्टैंड नहीं लिया। ये कहा गया ये सिटीजंस और कंपनीज के बीच का मामला है। आज जब पॉलिटिकल इलेक्शंस को थ्रेटन किया जा रहा है तब ये सारे लोग इसके कह रहे हैं कि सरकार 7 करोड़ लोगों के डेटा का हनन नहीं होने देगी। ये सारी बातें जो है वी ऑल्सो हैव टू लुक एट द लार्जर पर्सपेक्टिव कि अगले 50 साल में सारे इलेक्शंस डेटा पे लड़े जाएंगे, इसके लिए एक दूसरे का डेटा एनालिटिक्स करें तो नई बात नहीं है। आपसे कि
कि कैसे इलेक्शंस को प्रभावित कर सकते हैं ये डेटा, और दूसरी की सबसे बड़ी चुनौती, एक ब्रेक के बाद इस पर जवाब लेंगे या बात करेंगे, और दूसरी की ये सिटीजंस के लिए, नागरिकों के लिए कितनी बड़ी, कितना बड़ा खतरा है, हमारी निजता जो है वो कितने बड़े खतरे में है, और क्या हम इसके लिए तैयार हैं जब हम इस तरह के युग में है जहां पर हर जगह पर आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करें, चाहे वो पोलिटिकल ऐप हो या नहीं हो, पर अब अपनी जानकारियां जब डालते हैं तो पूरी तरह से प्राइवेसी बनाए रखना क्या मुमकिन है? अब इस दौर में ब्रेक के बाद रणनीति में इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं रणनीति, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या लोगों के से जो डेटा इकट्ठा कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां, उसका इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए हो सकता है कैम्ब्रिज एनालिटिका के तौर पर, और दूसरे कि क्या ये जो डेटा चोरी है वो गैर कानूनी है या सिर्फ अनएथिकल है, और आपकी निजता वाकई कितने खतरे में है। डेटा लीक के आरोपों पर विकास पांडे हमारे साथ हैं, जो आई सपोर्ट नमो ऐप के फाउंडर हैं, बीजेपी समर्थक के रूप में हमारे साथ हैं। जो डेटा लीक के आरोप है उस पर बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इस पर बीजेपी के आईटी सेल को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए। सिर्फ पलटवार करने से फायदा नहीं होगा, अगर आपके ऊपर बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं तो तथ्यों से इसका जवाब देना चाहिए, जो कि कुछ हुआ नहीं अब तक। ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो, या क्या कहते हैं अपने स्मृति जी ने भी उसका खंडन किया? स्मृति जी ने क्या खंडन किया है? सिर्फ ये कि आप टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, राहुल गांधी सिंगापुर में आप डेटा भेज रहे हैं तो आप तो पलटवार सिर्फ कर रहे हैं ना। उन्होंने मजाक उड़ाया है, जिस तरह यूएस में आप मजाक उड़ा रहे हो कांग्रेस, तो आपका भी तो सिंगापुर जाता है, तो उसी का मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि भैया सिंगापुर भेजो, हाँ, यूएस भेजो, हाँ। यहाँ तो मैसूर भेजा जा रहा है। वही वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ इस मजाक का जवाब मजाक या व्यंग्य से ही दे रहे हैं, सिर्फ रिएक्टिव वो है, आप जो कर रहे हैं वो सही है गलत जवाब दिया गया है। इसका जवाब दिया गया है ट्विटर टाइमलाइन में भरा पड़ा हुआ, ट्रेंड्स भी हुए, अमित मालवीय जो आईटी सेल के अध्यक्ष, उन्होंने बोला हुआ है इसके बारे में, नरेंद्र मोदी ऐप के बारे में बोला हुआ क्या है। अमित मालवीय ने सिर्फ ये कहा है कि कांग्रेस ने अपने ऐप को क्यों हटा दिया, अब ये दिखा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीजें होती जो कॉमन सेंस से आती हैं। बहरहाल ये कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस से, नहीं मतलब लोगों को तो इंतजार होगा ना कि आप जवाब दें कि आप लोग क्या कर रहे थे। अब ये कॉमन सेंस के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ, उनको भी बता रहा हूँ ये चीजें कि अखिलेश जी को कि भाई दिक्कत क्या है। जो परमिशन ऊबर मांगता है अपने जरूरत के नाते, जो ओला मांगता है अपने जरूरत, जो एनडीटीवी मांगता है अपने जरूरत, वही चीज तो नरेंद्र मोदी ऐप भी मांग रहा है। वो बोले गलत उपयोग होगा, मैंने कहा क्या गलत उपयोग है? उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास, कोई गलत उपयोग दिखा नहीं पाए। मैंने गलत उपयोग का साफ साफ दिखा दिया, सिद्धरमैया ऐप जो कर्नाटका मैनेज करता है, तो पॉलिटिकल पार्टी जब ये सूचनाएं मांगती हैं तो डर ये है कि वो इसको इलेक्शंस में कैसे इस्तेमाल करती हैं, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका इस्तेमाल कर रही थी, क्या वैसे इस्तेमाल होंगी? मैं आपके पास आऊंगी जितेन, लेकिन उसके पहले अखिलेश प्रताप सिंह मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस के ऐप के हटाने के बाद जो यहां पर अभी विकास कह रहे थे कि जवाब दिया गया, अमित मालवीय की तरफ से एक सवाल पूछा गया जिसका शायद आप जवाब दें कि क्या छुपाना चाहती है कांग्रेस जो अपने ऐप को वो डिलीट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी क्या छुपाना चाह रही है? गुजरात चुनाव में भी लोगों के डेटा चोरी कर चुनावी रणनीति बनाई गई, अब कर्नाटक में भी यही किया जा रहा है, ऐसा कहना है अमित मालवीय का, इसका आप जवाब देंगे? देखिए मैंने जवाब दिया, फिर दोहरा दे रहा हूं, मेरे 15,000 थे और उसका कोई 6-7 सालों में बेनिफिट हमें नहीं मिला, मात्र 15,000 थे, और हम जो डाटा हमारे 10 इंफॉर्मेशन ले जाती थी, मोदी जी की 22 इंफॉर्मेशन ले जाती है। और दूसरी बात कि ये बड़े स्केल पे ये इसका मिस यूज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तमाम ऐसे, मेरा मेल आईडी कहाँ से मिला इन लोगों को, हाँ। तमाम मेरे मेल पे ऐसे ऐसे मेल आते हैं जिसको हम बता नहीं सकते, वो सब इनके मंत्रालय के, इनके बीजेपी के लोगों के, कहां और अननोन लोगों से आते हैं, और उस पर जाओ ढूंढो तो उसका पता लगता है ये कहां से आया है जी। तो एक तरह से हमको भी फीड करते हैं कि कैसे किस तरह से ये सूचनाएं, जरूर डाटा लीक से ही उनको मेरा सब कुछ मिला है उनको। दूसरी बात, ये लोग आप शुरू से देखें जी, ये लोग कट पेस्ट वाले, फोटोशॉप वाले, इस तरह के लोग हैं। ओबामा को मोदी जी का भाषण सुना देते थे, इस किस तरह से इसी मतलब, सब चैनलों से, इसी सब माध्यमों से, मतलब नहीं, बाद में लोग जाने, बाद में लोग जाने कि ये मिसयूज किस तरह से कर रहे हैं, ये फोटोशॉप वाले हैं क्या, कितने नहीं, वही कितने, सुन लो आप,
आप लोग भी देखते होंगे रोज कि नेहरू जी गांधी जी किसके किसके फोटो के साथ क्या क्या लगा देते हैं। इंदिरा जी परमाणु बम का विस्फोट किया है उसके साथ हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, बगल में मोदी जी भी खड़े हैं, तो वो कंसर्न कर रहे हैं। तो ये लोग ये मायावी लोग हैं डाटाओं के आधार पे। पर आप ये कहेंगे कि अगर ये मायावी हैं तो आप पीछे छूट रहे हैं, मायावी दुनिया में आपको इस टेक्नोलॉजी में आपको ना, अगर टेक्नोलॉजिकल लड़ाई है तो आपको उनके बराबर होना पड़ेगा। बहुत दिन तक नहीं चलता, लेकिन नहीं हम नहीं हम इतना नहीं करेंगे नगमा, क्योंकि झूठ और फरेब की उम्र बहुत छोटी होती है। एक्टिंग करते हैं पर एथिकली करते हैं, नैतिकता के साथ। एक मिनट, आप जितने अब समझाना चाह रहे हैं इस पर कुछ इंट्रोडक्शन है मेरा नहीं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए चुनावों की माया ऐसी है, बड़े बड़े साधु संत जो हैं वो चोरों का भेष डाल लेते हैं। तो इसमें मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो कह रहे हैं कि ये मायावी लोग हैं, मतलब कौन मायावी नहीं है। पिछले 70 साल के अंदर इस देश में आजाद होने के बाद मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दीजिए जिसने जाति और पार्टी के आधार पर क्षेत्र के आधार पर वोटरों की जो लिस्ट मिलती है इलेक्शन कमीशन से उसका डेटा एनालिसिस ना किया हो। आप पहले निकालते फिर आप बूथ वाइज एलोकेशन के लिए जाति का समीकरण देखते हैं, तो आप डेटा का जो ऑफलाइन एनालिसिस हमेशा से करते रहे हैं। अब वो डेटा का जो एनालिसिस है वो ऑनलाइन हो रहा है। उसका पहला दौर जब आया जब आपके मोबाइल नंबर पे आपको स्पैम के एसएमएस आने लगे कि इसको वोट दीजिए उसको वोट दीजिए, फिर ईमेल आने लगे, व्हाट्सएप आ रहे हैं। एक नया उसका रूप ये है कि जो वेस्ट में भी देखा जा रहा है इंडिया में भी होगा, जो अलग अलग डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, प्राइवेट वेबसाइट्स हो, जहां पे आप अपना रेस्टोरेंट्स के अंदर आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिख के आते हैं और वहां ये लिखा होता है, जैसे आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करें तो आप उसको अपनी कंसेंट देते हैं अगर, और उसके बाद अगर वो डेटा आपका बाहर बेचा जाता है और उसके एनालिसिस अगर पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किया जाए तो शायद अनएथिकल जरूर है मगर इलीगल नहीं है। तो पवन दुग्गल हमारे साथ हैं, शायद साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, आप इस पर बेहतर बता पाएंगे कि जो अभी आरोप लगा रहे हैं दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर, अनैतिक हो सकता है वो लेकिन गैर कानूनी नहीं है, जो ये कर रहे हैं वो कानून के दायरे में है, साइबर लॉ के दायरे में है। 50 साल में भी होगा। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो पूरा का केस है, देखिए कहा गया उन्होंने ऐप चलाई, लोगों का डेटा कलेक्ट किया, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया। फिलहाल एक मिनट दुग्गल साहब से सुन लूं फिर आपके पास आऊंगी। जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए आज भारतीय कानून इस तरह की बातों के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं देता, तो अगर आप सोचते हैं कि डेटा माइनिंग इलीगल है भारतवर्ष में तो हम गलत सोचते हैं क्योंकि कानून इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ अनैतिक हो सकता है या नैतिक हो सकता है ये विवाद की बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो इस पूरी कानूनी पृष्ठभूमि में ना तो हमारे पास कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ना ही कोई निजता को संरक्षित रखने के लिए कानून है, ना ही साइबर सुरक्षा के प्रति डेडिकेटेड कोई कानून है। तो इस संदर्भ में ये एक फ्री फॉर ऑल मार्केट है। यहां पर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक तो मोबाइल ऐप्स को भी रेगुलेट करने के लिए कोई हमारे पास मोबाइल ऐप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है, ना ही इनके सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कोई भी ड्यू डिलिजेंस के पैरामीटर्स केंद्रीय सरकार ने परिभाषित किए हैं। तो इस फ्री फॉर ऑल एटमॉस्फेयर में हर व्यक्ति आता है, हर व्यक्ति डेटा माइनिंग करता है और कहता है कि साहब मैं कानून का तो उल्लंघन कर नहीं रहा हूं क्योंकि कानून खुद चुप्पी साधे हुए। मुझे लगता है बहुत जल्दी हमें भारतवासियों के डेटा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होगी और उसके लिए आपके जो इंटरमीडियरीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी लायबिलिटी को पुनः से स्थापित करना पड़ेगा और उन्हें विवश करना पड़ेगा कि आप भारत में हो या ना हो, आप भारतीय साइबर लॉ के प्रावधानों का पालन जरूर करेंगे। और इसके लिए अगर हमें डेटा लोकलाइजेशन की मदद लेनी पड़ी तो फ्री फॉर ऑल एटमॉस्फेयर है, फ्री फॉर ऑल माहौल है क्योंकि कानून नहीं है। अखिलेश प्रताप इसमें तमाम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कानून है नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? नगमा जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूं, निजता का जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के बाद उसके दायरे में ये कवर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा क्योंकि जो निजता का बहुत व्यापक जजमेंट आया है वो इसको कवर कर लेगा। तो ये मेरा सोचना है, मैं बहुत जानकार नहीं हूं, लेकिन जैसे मुझको लगता है कि जो ये भी एक निजता ही है, तो जब निजता को सार्वजनिक नहीं कोई कर सकता या जबरदस्ती नहीं ले सकता तो ये भी उसमें कवर हो जाएगा। दूसरी बात, आज आधार पे बात हो रही है, सरकार क्यों जबरदस्ती सबकी इंफॉर्मेशन सब जगह मांगती क्यों है, जानना क्यों चाहती है, प्रोवाइड कराना क्यों चाहती है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अभी हियरिंग कर रहा है और जो सरकार के ऑर्डर्स हैं वो स्टेप पे स्टेप चले आ रहे हैं क्योंकि अभी उस पर देगा जजमेंट। तो ये सरकार की जो नियति है, वो जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज है, जो एक आदमी का मौलिक अधिकार है, उसके लिए नियत इनकी बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी की गवर्नमेंट की नियत ठीक नहीं लगती है।
और ये प्रूफ भी हो चुका है, इसलिए हमेशा इनके ऊपर शंका बनी रहती है कि क्यों इतना कीन है इन सब डाटा और इन सब प्राइवेसी की इंफॉर्मेशन को लेकर के। पर ये पहले से, ये अभी अभी हमको जितेन समझा रहे थे कि ये पहले से ऑफलाइन तो हो ही रहा था, अब दुनिया बदल गई है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि चुनाव जब लड़े जा रहे थे तो जाति क्या है, कास्ट में कैसे बटा हुआ है क्षेत्र, ये तमाम आंकड़े सभी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आप जरूर शामिल होंगे वो जुटाते रहे हैं। अब दुनिया बदली है तो ये ऑनलाइन हो रहा है, सवाल अब ये है कि ये कितना खतरनाक है, वाकई क्या इससे हमें इतना घबराने की जरूरत है, जितना हंगामा दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अब एक दूसरे को लेकर खड़ा कर रही हैं, क्या ये वाकई बहुत डरने की बात है, और क्या इस दौर में आपकी प्राइवेसी वाकई प्राइवेट रह सकती है, आपकी जानकारियां रणनीति में इस ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। तो रणनीति में ये बात कर रहे हैं कि ये जो डेटा चोरी का आरोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं वो कितना गंभीर है, और वाकई क्या लोगों की निजता इससे खतरे में है। पवन दुग्गल, आप इस पर बताना चाहेंगे कि ये हंगामा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए ज्यादा है या लोगों के लिए वाकई अचानक से कोई बहुत बड़े डर की बात खड़ी हो गई है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे को एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल डिबेट तो छोड़ दीजिए, बट जो लीगल हमारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको हमें ज़्यादा इफेक्टिव तौर पर एड्रेस करना पड़ेगा। ये डेटा माइनिंग, अगर आप चाहते हैं इस पर कोई रोक लगाम लगे तो कानूनी प्रावधान हो और लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो। जी, तो डेटा प्रोटेक्शन कानून जो है वो इस वक्त आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है, किस तरह के डेटा प्रोटेक्शन कानून की जरूरत है, ताकि कुछ तो है, मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या बदलाव आप रेकमेंड करेंगे? पवन दुग्गल इस वक्त हमारे साथ नहीं है। जितेन जैन, आप बताइए कि ये जो तमाम बहस इसके ऊपर, जैसे आधार को लेकर भी बहुत बहस है कि सुरक्षित नहीं है, पर सवाल ये भी है कि आजकल के दौर में वाकई कितना मुमकिन है प्राइवेसी मेंटेन करना, अब ये पॉलिटिकल एप्स हो या ना हो, आप फेसबुक पर हैं, आप गूगल पे हैं, तमाम चीजें, क्या आप भी अपनी निजता को बचा को लेके मैं एक अपना पर्सनल टेक्निकल ओपिनियन दूंगा। एज एन एक्सपर्ट मैं कहता हूं कि एज अ सिटीजन ऑल्सो कि आधार इज नॉट एंटी नेशनल, इज नॉट अ सर्वेलेंस एग्जाम। इस देश को जरूरत है आधार जैसे कॉमन नेशनल आइडेंटिटी नंबर की, जिससे आप सब्सिडीज के अंदर करप्शन रोक सकें। आप जो अब जो टेलीफोन लिंकिंग की बात करी जा रही है, बैंक अकाउंट लिंकिंग की बात करी जा रही है, ताकि लोग उसके अंदर हवाला का पैसा ना जाए, आपके बैंक अकाउंट डिक्लेयर हो, आपके मोबाइल के फर्जी सिम कार्ड लोग ना खरीदें, आई एम ऑल फॉर इट। हाँ, आधार के इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो प्राइवेट बैंक्स को दिया जा रहा है, प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर्स को ऑथेंटिकेशन के लिए दिया जा रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी वो लेने को तैयार नहीं। तो जो सवाल आज आधार के ऊपर उठाए जा रहे हैं कि इंडियन गैस ने जिस तरह से उनकी एपीआई वनरेबल थी, उसका मिसयूज हुआ, उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय आज जो आउटराइट डिनायल है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, हमारी कोई गलती नहीं है, ये खड्डे में कूदने वाली बात है। इससे आप पूरी की पूरी जो मतलब जो नैरेटिव है नीड का, उसको एक झूठ के लिए आप 100 झूठ बोल रहे हैं, वो गलत है। मगर आधार का मैं समर्थन करता हूं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि भाई आधार को आप मोबाइल नंबर से क्यों लिंक कर रहे हैं, मैं आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दूं। वी आर इन दिस फील्ड ऑफ सिक्योरिटी। पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा के अंदर अगर आपको सिम कार्ड चाहिए तो आपको बायोमेट्रिक्स देना, जो वहां का नादरा डेटाबेस है, जो सीनिक नंबर आपको मिलता है, वो देना मैंडेटरी है। और आज पिछले 5 साल के अंदर देखिए पाकिस्तान के अंदर जो फर्जी सिम कार्ड की जो समस्या थी वो 99% खत्म हो गई है। और इंडिया का एग्जांपल है, आप अपने चैनल का एग्जांपल है, आपने कई स्टोरीज करी है जिसके अंदर कई फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर दंगे भड़काए गए, एस्पियोनेज के लिए, ब्लैकमेल के लिए एडवर्सरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस्तेमाल किया, वो एक दिन के लिए आपका सिम कार्ड के आते हैं फर्जी आईडी के ऊपर, और उसके डीएक्टिवेट होने से पहले आप उस नंबर से व्हाट्सएप और फेसबुक एक्टिवेट कर लिया जाता आधार है। इन चीजों से आधार को अगर आप फोन से लिंक करते हैं तो इससे बच सकते हैं। नहीं, आप बच सकते हैं, मगर एक सड़क पर जो किराने की दुकान है उसको 100 रुपए की ट्रांजेक्शन के लिए कह देना कि ये भी आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर ले ऑनलाइन ई पेमेंट्स के लिए, वो गलत है। इसका कोई बैलेंस होना चाहिए जितेन, की कितना ये डिबेट है कि आप अपनी प्राइवेसी में कितना दखल देना देंगे सरकार। सेलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से रेगुलेटेड सेक्टर से जिनके ऊपर बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, आप उन्हीं को दें। हर सड़क पर चलने वाले आदमी को अगर आप बोलेंगे आप आधार से पेमेंट ले लो और वो बायोमेट्रिक किसी का स्टोर नहीं कर ले, उसके खिलाफ हूं, पूरी तरह से खिलाफ हूं। जी, एक ब्रेक लेते हैं और रणनीति में वापस आएंगे। अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास, इस ब्रेक के बाद आऊंगी। आप देखें रणनीति, अखिलेश प्रताप सिंह का आखिरी सवाल कि क्या डेटा जो है उसके आधार पर ही चुनाव लड़े जाएंगे, इसे आप इनकार नहीं कर सकते, इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसी में जुड़ी हुई हैं। पहले कागज से लिखते थे, अब ये सब ऑनलाइन हो गया है। देखिए, जंग और राजनीति
दोनों एक तरीके से लड़ी जाती है, एक में खून बहता है एक में नहीं बहता, दोनों में सिपाही होते हैं जनरल होते हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन के बेस पर लड़ी जाती है। इन्फॉर्मेशन दोनों में सबसे बड़ी वेपन का काम करता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता आपके सवाल का। मैं अभी सुन रहा था आपके मुझसे पहले जिन सज्जन से आप बात कर रही थी, इन लोगों को सबका डाटा चाहिए, डेटा चाहिए, अपना कुछ नहीं बताएंगे, अपनी डिग्री भी नहीं बताएंगे, आपसे मिलने कौन आया वो भी नहीं बताएंगे, आपके प्लेन में कौन कौन जाता है प्रधानमंत्री वो भी नहीं बताएंगे, लेकिन सबका सब कुछ चाहिए। उदाहरण क्या दिया, पाकिस्तान कहां से आ रही थी मुझे कि पाकिस्तान का जब सिम लिंक कर दिया है आधार से, तो अरे भाई दुनिया के सबसे ज्यादा टेररिस्ट वहीं बसते हैं, सब मोबाइल से ही ऑपरेट कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि लिंक करने के बाद टेररिज्म की समस्या खत्म हो रही है। सुनिए सुनिए मांग रहे हैं ना, सुनिए, और ये कल तक जिस आधार को क्या क्या कोसते से, उस आधार को अब हर चीज से लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, आप क्योंकि जिस विचारधारा के ये लोग हैं, कह रहे थे ये सब की पूरी इंफॉर्मेशन बीच में है, ये नहीं कि हर चीज को आप आधार से लिंक करें, पर आधार से कुछ चीजों को लिंक करना जरूरी है और कहीं नहीं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आखिरी कमेंट आप दोनों 30-30 सेकंड अपने में बांट लें, कि ये एक हकीकत है, इससे भाग नहीं सकते। जो जंग लड़ी जा रही है, हमने देखा रशिया ने अमेरिका में क्या किया, तो उसी के आधार पर दखल देंगे देश चुनाव में भी, और चुनावों में इन आंकड़ों की बहुत जरूरत होगी। देखिए, डेटा से सिर्फ इलेक्शन मैनिपुलेट होंगे, हमारे नेताओं को अगर ये समझ में आता है तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि डेटा से और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आप यहां पर पॉलिटिकल ओपिनियन को सबवर्ट कर सकते हैं, इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के साथ साथ दंगे भड़काए जा सकते हैं। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से हैशटैग बुरहान वानी की ट्रेंड कराते रहे, तो ये चीजें जो है ऑनलाइन के अंदर कोई भी कहीं भी बैठ के जो कर रहा है, आपको इस चीज समझेंगे, डेटा इज द न्यू ऑयल, और तेल के लोगों के लिए दो लोगों ने, सरकारों ने देश तबाह कर दिए, और डेटा से भी चुनाव तबाह करे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी डेटा प्राइवेसी कानून लेके आइए, और जो जो बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, गूगल हो फेसबुक हो, कहीं ना कहीं कानूनन रूप से इनकी चाहे सॉवरेन गारंटी इनके एम्बेसडर से मांगी जाए, इनकी जिम्मेदारी और इनके डेटा के यूज के लिमिटेशन को तय करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप समझिए टाइम बॉम्ब है, अगर एक बार डेटा चोरी हो गया कि ये लड़ते रहे कि कौन चोरी कर रहा है, कौन नहीं, इसके डेटा वापस नहीं ला पाएंगे। एक बहुत बड़ा चेंज आया जब से यहां पे रमिया आई है आईटी सेल में, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाला चीज यहां पे हो रहा है। खुद वो डेटा चोरी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया सिद्धरमैया का ऐप, उसको कांग्रेस में देते हैं जी, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे तुम चोरी कर रहे हो, जो कि हर कोई क्या कहते हैं सेव करता है। विकास, क्या इससे ये जो एक परसेप्शन है वो बदल में कामयाब हुई है कांग्रेस की, नरेंद्र मोदी जो है वो डेटा चोरी कर रहे हैं? क्या परसेप्शन है, वो खुद ही अपना ऐप छोड़ के, क्या लोगों को लग रहा है कि क्या कर रहे हैं बीजेपी, क्या कुछ नहीं नहीं ये बताइए, ये ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी ऐप जब इन्होंने डिलीट नरेंद्र मोदी ऐप करा, उसका आप ग्राफ देखो तुरंत स्पाइक हो गया, रेटिंग बढ़ गया, लोग और आ रहे हैं उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये क्या परसेप्शन कर रहे हैं, 15,000 लोगों को अपने ऐप में जुटा नहीं पाए, पहले स्क्रीन में वो कास्ट और माइनॉरिटी है कि क्या वो सब कलेक्ट करते, तो 15,000 लोग आए, नहीं अपने खुद डिलीट करके भागना पड़ा उनको, इस तरह का झूठ बोलते हैं। क्या कर रही है या बीजेपी क्या कर रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो कह रहे हैं आपको कहना चाहूंगा, प्लीज जो सिटीजंस का डेटा है वो नेशनल इंपॉर्टेंस है, उसके लिए आपको सख्त से कानून बनाना चाहिए, और खाली अपने चुनाव की जमा गणित के नाम पर डेटा की राजनीति मत कीजिए, डेटा की राजनीति देश हित के अंदर होनी चाहिए, देश हित के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बातचीत के लिए। रणनीति में आज इतना ही वक्त है, इतना ही, नमस्कार।